दोस्तों अगर आपने अभी तक OPPO Reno5 Pro के गिवअवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Realme X7 और Realme 7 Pro इनके प्राइस सेगमेंट एग्जैक्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक फोन आपको कैमरा अच्छा दे रहा है लेकिन प्रोसेसर अच्छा नहीं दे रहा है, एक फोन आपको अच्छा प्रोसेसर दे रहा है लेकिन अच्छा कैमरा नहीं दे रहा है। बहुत ही जिगजैग वाली कहानी है, बहुत सारे फर्क हैं। हमारे लिए यहाँ पर बेस्ट कौन सा रहेगा, आइए जान लेते हैं। Realme ने इंडिया में लॉन्च किया है Realme X7 और इसकी जो प्राइस सेगमेंट है दोस्तों बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है आज से 3-4 महीने पहले आए Realme 7 Pro के साथ में। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कंपेयर करेंगे दोनों स्मार्टफोन का, देखेंगे कि डिस्प्ले, प्रोसेसर, गेमिंग, इन सभी चीजों के साथ साथ प्राइस सेगमेंट के अंदर भी हमें कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी यहां पर दे पाएगा, हमें आज की डेट में कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। दोस्तों सभी फोन की ट्रूली टेस्टिंग होने के बाद में आपको मैं एकदम ट्रूली कंक्लूजन दिखाता हूं। तो अगर आपको ट्रूली वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। Realme X7 और Realme 7 Pro इनकी प्राइस सेगमेंट एग्जैक्ट सेम है, अपने वेरिएंट्स के लिए बिल्कुल वही प्राइस सेगमेंट में हमें मिलते हैं, लेकिन कंप्लीट कंपेयर करें पहले, उसके बाद देखते हैं कि हमें अगर पैसा लगाना ही है ना तो फिर कौन से फोन की तरफ लगाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। अगर हम बात करें Realme X7 की, इसका जो मतलब जो डिजाइन है ना वहां पर बहुत बड़ा बड़ा लिखा है डेयर टू लीव। सबसे पहली चीज तो यहीं पर आती है कि 50% लोगों को पसंद आता है, 50 को नहीं आता है। अगर हम बात करें इस फोन के वेट की, ये आपको मिलता है अराउंड 179 ग्राम्स का और बहुत ही मतलब ग्लॉसी सी इसकी फिनिशिंग है। बहुत मैं कहूंगा कि देखो अपनी अपनी पसंद है कि आपको मैट फिनिश पसंद आएगी या फिर शाइन फील पसंद आएगी। वेट इसका है 179 ग्राम। अगर हम बात करें Realme 7 Pro की, ये आपको मिलता है अराउंड 185 ग्राम का और ये जो है मतलब वही एक ग्लासी फील देता है, लेकिन हाँ हल्का सा भारी है। लेकिन दोस्तों फिर से कह दूं कि सिर्फ नंबर्स के अंदर भारी है, 179 ग्राम और 185 ग्राम, आपको इतना ज़्यादा अंदाज नहीं लगेगा और वैसे भी कवर लगाने के बाद में फ़ोन भारी हो ही जाता है। अगर हम बात करें फोन के फीचर्स की तो सबसे पहले बात आती है डिस्प्ले की। अगर हम बात करें X7 की तो यहां पर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन रिफ्रेश रेट 60 हर्ज की, 180 हर्ज मिलती है आपको टच सैंपलिंग रेट, ऑन एन एवरेज एक डिसेंट डिस्प्ले है। अगर हम बात करें Realme 7 Pro की, यहां पर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 60 हर्ज की रिफ्रेश रेट। ओह माय गॉड, यानी कि सीधी सी बात है कि दोनों ही फोन की डिस्प्ले आपको एग्जैक्ट सेम मिलती है। ब्राइटनेस इसकी आती है अराउंड 800 निट्स के आसपास की, जो कि आपको नॉर्मल यूजर्स से दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सनलाइट के अंदर थोड़ा सा आपको दिक्कत यहां पर आ सकती है और ऑन एन एवरेज डिस्प्ले दोनों ही फोन की काफी अच्छी है अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो, वरना तो 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट गेमर वगैरह के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन आपके लिए इतनी बेटर क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो हाँ दोनों फोन की डिस्प्ले एग्जैक्ट सेम है और डिसेंट है। ऑल राइट, ये तो बात हुई डिस्प्ले की, अब हम बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की कि ठीक है हम देखो दोस्तों गेमिंग अगर आप बहुत ज्यादा करते हो ना तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अगर आप एक डिसेंट यूजर हो तो हम बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। Realme X7 यहां आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 800U, इसका जो एंटीट्यूड स्कोर आता है वो आता है लगभग 330,000 के आसपास का और इसके दो वेरिएंट है 6GB 128GB और 8GB 128GB LPDDR4X RAM और UFS 2.1 स्टोरेज टाइप आपको यहां पर मिलता है। पहले हम बात करते हैं Realme X7 Pro की, यहां पर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon का 720G प्रोसेसर, यहां पर भी दो वेरिएंट है 6128 और 8128 का और एंटीट्यूड स्कोर 290,000 के आसपास का। अगर हम बात करें भाई साहब कौन सा प्रोसेसर यहां पर बेस्ट है, पहली बात दोस्तों ये जो है ना 720G ये प्रोसेसर काफी पुराना हो चुका है। अगर मैंने कई बार बताया कि जो Xiaomi के जो फोन आए थे ना Redmi Note 9 वाली जो सीरीज आई थी Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, उनमें यूज हुआ था ये प्रोसेसर 13-14-15 हज़ार के फोन के अंदर और ये प्रोसेसर काफी पुराना है, एंटीट्यूड स्कोर भी 290,000 आपको देता है। तो ऐसे के अंदर और हाँ ये पहला फोन है जहां पर यूज हुआ है Dimensity 800U और ये प्रोसेसर अपने एंटीट्यूड स्कोर को देखते हुए और रियल लाइफ के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं जो Realme 7 Pro है उससे एक बेटर क्वालिटी दे पाएगा। किन चीजों के अंदर देखो गेमिंग अगर आप करते हो ना तो प्रोसेसर के मामले में तो
आपको जो है Realme X7 एक अच्छी क्वालिटी निकाल के दे रहा है। लेकिन अगर आप एक एक्सट्रीम यूजर है गेमिंग के, आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे गेमिंग करते हैं, तो वैसे तो देखो प्रोसेसर के मामले में तो Realme X7 अच्छा है, लेकिन डिस्प्ले दोनों ही फोन की 60 हर्ज है, तो कहीं ना कहीं आपको इतना ज्यादा मजा दोनों ही फोन के अंदर नहीं आने वाला है। ऑन एन एवरेज बात करें तो Realme X7 आपको अच्छी क्वालिटी देगा, अगर आप गेमिंग भी करते हैं, अगर आप वीडियो एक्सट्रैक्ट करते हैं, एडिट करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो आपको Realme 7 Pro के बदले Realme X7 आपको काफी अच्छी क्वालिटी यहां पर देगा। ऑलराइट, हम ना तो गेमिंग करते हैं ना ही हम वीडियो एडिट करते हैं, हमें कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए क्योंकि हम फोटोग्राफी करते हैं। अगर हम बात करें Realme X7 की, यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट मिलता है। पहला कैमरा 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का वही मैक्रो सेंसर। अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा की, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सोनी IMX471 के सेंसर के साथ में। हम बात करते हैं पहले Realme 7 Pro की, यहां पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप है। पहला कैमरा 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX682, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का भाई ब्लैक एंड व्हाइट और मैक्रो वगैरह के सेंसर। और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का। हाँ ठीक है, 4K रिकॉर्डिंग वगैरह आपको 30 FPS तक मिल जाएगी, सभी कुछ अच्छी बातें हैं। लेकिन वैसे तो देखो अगर आप नंबर वाइज बात कर रहे हो ना, तो दोनों फोन के अंदर 64 मेगापिक्सल है, एक में सैमसंग का सेंसर है और एक में सोनी का सेंसर है। लेकिन जो सोनी का सेंसर है ना, वो एक फ्लैगशिप एक सेंसर हम कह सकते हैं कि हाँ 686 और 682 ऑलमोस्ट सेम है। हाँ 686 के अंदर क्या होता है कि आप 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर पाते हो और यहाँ पर आप 30 FPS कर पाओगे। लेकिन दोस्तों मैंने Realme 7 Pro मैंने लगभग जब लॉन्च हुआ था ना, तब से मेरे पास में है, फोटोग्राफी अच्छी है, लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो कंपेरेटिवली X7 की फोटो जरा सी शार्प आती है, इतना ज़्यादा भी फर्क नहीं है। फिर से कह रहा हूँ इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ मैक्रो शॉट्स वगैरह आपको Realme 7 Pro में अच्छे मिलेंगे, सेल्फी आपको इसके अंदर अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आप रियर कैमरा की बात कर रहे हो, तो रियर कैमरा आपको X7 का अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको शार्प फोटोज देखने को मिलेगी, कंपेरेटिवली स्लाइटली बेटर फोटो मिलेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो Realme 7 Pro आपको कहीं ना कहीं बेटर क्वालिटी देगा कैमरा के मामले में। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको रियर कैमरा के साथ साथ जो मैक्रो शॉट्स है, जो डेप्थ के शॉट है ना, वो आपको काफी अच्छे मिलेंगे, सेंसर इसके काफी अच्छे हैं। और जो सेल्फी कैमरा है वो भी 32 मेगापिक्सल का है, जो कि आपको कहीं ना कहीं Realme X7 से एक बेटर क्वालिटी निकाल के दे देगा। और हाँ दोस्तों सीधी सी बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा ना जिगजैग हो गया है, एक फोन का प्रोसेसर अच्छा है, एक फोन का कैमरा अच्छा है। मेरे ओपिनियन में आपको बताऊंगा मैं क्लियर करके आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। फिलहाल तो मैं कहूंगा कि हाँ, अगर आप रियर कैमरा देख रहे हो नॉर्मल शॉट्स के लिए, तो दोनों स्मार्टफोन अच्छे हैं, सेल्फी कैमरा आपको Realme 7 Pro अच्छा निकाल के दे देगा। और अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, बहुत ज्यादा आपको मैक्रो डेप्थ के शॉट्स अच्छे चाहिए, तो फिर आपको Realme 7 Pro या फिर जो X7 का जो बड़ा भाई है X7 Pro, वहां पर आप देख सकते हो। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं दोनों ही फोन की बैटरीज के बारे में, क्योंकि फोन कितना भी अच्छा हो वो जिंदा तो रहना चाहिए, डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज करो फिर डिस्चार्ज फिर चार्ज करो, मजा नहीं आएगा। अगर हम बात करें Realme X7 की, यहां पर आपको मिलती है 4310 mAh की बैटरी, बॉक्स में आपको 65W का चार्जर मिलता है, लेकिन फोन आपका 50W को ही सपोर्ट करता है। और हाँ अप्रॉक्सीमेट 45 से 50 मिनट में आपका फोन फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं Realme 7 Pro की, यहां पर आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी, 65W का चार्जर और लगभग 30 से 35 मिनट में आपका फोन फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो हाँ मैं कहूंगा कि दोनों फोन की बैटरी के अंदर कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, 4300, 4500, 50W, 65W, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ऐसा कोई फर्क नहीं है। हाँ नंबर वाइज बात करते हो तो Realme 7 Pro यहाँ पर जीतेगा, लेकिन मतलब लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए ऐसा कुछ यहाँ पर अंतर करने वाली बात नहीं है। प्राइस की बात करें तो मैंने शुरुआत से कहा था कि दोनों ही फोन आपको सेम प्राइस में मिलते हैं, 6128 20,000 रुपये में और 8128 22,000 रुपये में, 20,000 और 22,000 रुपीज के अंदर। तो यहाँ पर हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए? अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेरे पर्सनल ओपिनियंस की दोनों ही फोन को देखते हुए। अगर हम बात करें ना कि भाई साहब डिस्प्ले की, तो दोनों ही फोन की डिस्प्ले सेम है, लेकिन बहुत ज्यादा गेमर्स के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि 60Hz की डिस्प्ले अगर आप 6 घंटे 7 घंटे या फिर लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं, अगर आप एक गेमिंग को देखते हुए फोन ले रहे हैं, तो 60Hz की डिस्प्ले आपको इतनी अच्छी बैटरी क्वालिटी नहीं दे पाएगी। लेकिन हाँ अगर आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा गेमिंग करते हैं और आपका बजट है, तो फिर आप ले सकते हैं, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल की गेमिंग करते हैं तो ही आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, डिसेंट यूजर के लिए कोई तरह की दिक्कत
नहीं है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, गेमिंग की, मल्टीटास्किंग की, तो फिर भाई साहब सीधी सी बात है कि 720G से आपको जो अपना डायमेंसिटी 800U है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पर दे देगा। कैमरा शॉट्स की बात करें तो दोनों फोन के कैमरा शॉट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको एडवांस फीचर चाहिए जैसे कि मैक्रो के, डेप्थ के और सेल्फी कैमरा भी अच्छा चाहिए तो फिर आपको Realme 7 Pro की तरफ जाना होगा। और अगर वहां से बात करूं बैटरी की, बैटरी सेम है, प्राइस सेगमेंट सेम है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मेरा मन यहां पर यह कहता है कि अगर आप फोन ले ही रहे हो ना तो फिर आपको लेटेस्ट फोन लेना चाहिए, X7 या फिर X7 Pro भी आप यहां पर ले सकते हैं। X7 Pro की मैंने काफी वीडियोस बना रखी है, वहां जाके देखिए, आपको काफी पसंद आएगा फोन भी और वीडियो भी। बाकी दोस्तों आपके क्या राय है दोनों स्मार्टफोन के बारे में बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, कौन सा फोन अच्छा लगा, बुरा लगा और क्यों लगा, सभी बातें दोस्तों कमेंट्स में कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, डायमेंसिटी 1000 प्लस ओप्पो रेनो 5 प्रो का गिव अवे लाइव है हमारे चैनल पर। आपने अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगी, वहां जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शायद आप जीत पाए रेनो 5 प्रो को। दोस्तों वीडियो पर पहली बार आए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो ना, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।